भारतीय सेना में जातिगत आधार पर बनी रेजिमेंट्स का पुराना इतिहास रहा है। अंग्रेजों ने शुरुआत में जाति के आधार पर कई रेजिमेंट बनाई, जिसमें जाट, राजपूत, डोगरा, चमार आदि रेजिमेंट शामिल थी। मगर इनमें से कुछ रेजिमेंट्स को अंग्रेजों ने बाद में भंग कर दिया, क्योंकि उन रेजिमेंट्स के जवानों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी थी। अंग्रेजों ने जिन रेजिमेंट्स को भंग किया उसमें चमार रेजिमेंट भी शामिल थी, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। चमार रेजिमेंट तो पहले ही भंग कर दी गई थी, मगर बीते 23 नवंबर को चमार रेजिमेंट में सेवाएं देने वाले आखिरी जवान हवलदार चुन्नीलाल ने भी 106 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हवलदार चुन्नीलाल महेंद्रगढ़ जिले के भोजावास गांव के रहने वाले थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रहते हुए जब उनकी रेजिमेंट ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की, तो चुन्नीलाल भी अपनी रेजिमेंट के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जा मिले। हालांकि बाद में हवलदार चुन्नीलाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 5 साल जेल में रखा। चुन्नीलाल के बेटे धर्मवीर के मुताबिक उनके पिता का जन्म 18 अक्टूबर 1916 को हुआ था और वो 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हुए थे। हवलदार चुन्नीलाल कानपुर सेंटर से फौज में भर्ती हुए और सेकंड पंजाब रेजिमेंट में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें चमार रेजिमेंट के साथ बर्मा की लड़ाई में भेज दिया गया। बेटे धर्मवीर ने आगे बताया कि वहां जब चमार रेजिमेंट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी का आदेश मिला, तो पूरी रेजिमेंट ने बगावत कर दी और नेताजी के साथ खड़ी हो गई, जिसके जुर्म में चमार रेजिमेंट के जवानों को अंग्रेजी हुकूमत ने 5 साल तक जेल में रखा। हवलदार चुन्नीलाल ने मेरठ कैंट, रंगून, कोहिमा और पगोडा आदि जगहों पर सेना में अपनी सेवाएं दी। साथ ही चुन्नीलाल के बेटे ने कहा कि उनके पिता चाहते थे कि सेना में फिर से चमार रेजिमेंट बहाल की जाए, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले जवानों के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि साबित होगी। हवलदार चुन्नीलाल के बेटे ने हमारे संवाददाता नवीन यादव से बात करते हुए अपने पिता के बारे में और क्या कुछ बताया, अब जरा विस्तार से सुनिए। मेरा नाम धर्मवीर है, मैं हवलदार चुन्नीलाल का सबसे छोटा बेटा हूँ, 3 नंबर का बेटा हूँ। और मेरे पिताजी का 23 नवंबर 2022 को स्वर्गवास हो गया है और उनका जन्म एज पर एज रिकॉर्ड आर्मी के अनुसार 18 अक्टूबर 1916 का है। और वो 1940 में फौज में भर्ती हो गए थे, वो सेकंड पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, कानपुर में भर्ती हो रही थी वहाँ भर्ती हुए थे ये। उसके बाद ये सेकंड पंजाब रेजिमेंट में रहे, जब सेकंड वर्ल्ड वार की तैयारी रही तब इन्होंने अंग्रेजों ने, उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, बस जातिगत आधार पे इनको लड़ाना चाहा, तो हमारी जो चमार जाति से संबंधित थे वो चमार रेजिमेंट कन्वर्ट कर दिए और जो राजपूत थे वो राजपूत तरफ से कर दिए थे। उसके बाद जैसे सेकंड वर्ल्ड वार चला, ये कोहिमा, इम्फाल, रंगून यहाँ लड़ते हुए चलते रहे। जर्मन और जापान की सेकंड वर्ल्ड वार चला था, ये काफ़ी दिन चला था, चलते रहे। पगोडा वगैरह में इस रेजिमेंट ने काफ़ी अहमियत दिखाई थी, जापान को खाली कर दिया था। उसके बाद जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ है, ये वापस अपनी छावनियों में तब्दील कर दिए गए। तब्दील करने के बाद में अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने आदेश दिया आगे भी तुम सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करो, आज़ादी का जश्न यहाँ चला हुआ था। तो चम्मा रेजिमेंट को आदेश दिया गया था कि तुम सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करो, इन्होंने उसको गिरफ्तार करने के लिए मना कर दिया और ये उसके साथ शामिल हो गए, विद्रोह हो गया। इन्होंने विद्रोह के अपोजिट इनको 4.5-4 साल की जेल भी मिली है, अयोध्या जेल में रहे हैं ये 4.5-4 साल। 1951 में इनको जेल से छोड़ा गया। उसके बाद ये अपने यहाँ अपने खेती में, जमींदारी में इधर उधर अपना टाइम पास करते रहे और अब इनका ये लास्ट टाइम था सेवा के लिए, इन्होंने वनों में समर्पित हो गए। चमार रेजिमेंट भी बननी चाहिए आप, ऐसा है जो जातिगत आधारित पर चमार सब इस चीज को मांग कर रहे हैं। इस रेजिमेंट ने काफी अच्छा काम किया था और इसी वजह से ईर्ष्या से अंग्रेजों ने इसको तोड़ दिया था, विद्रोह का इसके ऊपर मुकदमा लगाया। लेकिन जो भी इसके अंदर विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, वो स्वतंत्रता सेनानी रहे और हमारे फादर को ये चीज का नहीं दिया गया। जी कहाँ कहाँ सेवा दादाजी ने दी? ये मेरठ छावनी में रहे, कोहिमा और रंगून और पगोडा, जो मैं उन जो मेरे को बताते थे यहाँ इन्होंने सेवा दी है।
सुभाष चंद्र बोस के साथ शामिल हो गए थे ये, और उनके साथ भी चले, लेकिन ये ज़्यादातर जेल में डाल दिए गए। इनके ऊपर देश विद्रोह का मुकदमा लगा दिया था, बगावत का, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी थी। सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, एक तो रेजिमेंट इनकी बरकरार की जाए और इनको सम्मान का दर्जा दिया जाए।